बिल्कुल। और एक खबर आई है कि शिवपाल यादव अपने अपने बेटे के साथ पहुंचे थे और वहां बीजेपी की जो नेता है वो भी पहुंची थी समर्थकों के साथ। इटावा से खबर है जहां पर कोऑपरेटिव क्रय केंद्रों को लेकर यहां पर चुनाव से पहले ये दोनों ही नेता पहुंचे और आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जो कि यहाँ पर डेलीगेट नहीं हैं, जिनको नामांकन नहीं करना है, वो भी सुबह से बैठे हैं। जबकि नियम यह है कि सीधे अगर कोई कैंडिडेट आता है उसके समर्थक प्रस्तावक आते सीधे जाए, पर्चा भरें, रसीद कटवाएं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी पर्चा दाखिल करने आते थे उनको न तो रसीद काटने दे रहे थे न पर्चा भरने दे रहे थे।